हाय एवरीवन, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं आज आपको एक ऐसे पौधे के बारे में जानकारी देना चाह रहा हूँ जो कि हमारे घर में बहुत ही शुद्ध हवा और ऑक्सीजन देता है, जिसका नाम है स्पैटर प्लांट। तो दोस्तों देखो, मैं अब आपको वो पौधा दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों ये स्पैटर प्लांट का पौधा है, आप देख सकते हैं स्पैटर प्लांट जो कि हमारे घर में ऑक्सीजन देता है। इसे रख रखाव की बहुत ही आवश्यकता होती है, इसमें हमेशा ध्यान रहे कि बहुत कम पानी डालें और आप इसे अंदर भी रख सकते हैं। दोस्तों ये मेरे स्पाइडर प्लांट का पौधा है जो हमारे कोरोना चलाते थे, बहुत दूर दूर से लाए थे लोग इसे लगाने के लिए। इससे जो कि ऑक्सीजन की कमी हुई थी, थोड़े बहुत इसे अपने घर में जहाँ भी लगाएंगे, जिस रूम में लगाएंगे, कहीं भी लगाएंगे, इससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी रूम में। तो दोस्तों ये बहुत ही सुंदर पौधा होता है, इसे आप अपने घर में सुंदरता के लिए भी लगा सकते हैं। दोस्तों स्पैटर का प्लांट का पौधा है, वैसे भी अच्छा पौधा होता है। ध्यान रहे कि ये इसकी आपको जब पीली पत्ती पड़ जाए, हमारी जैसे इसकी पीली पत्ती पड़ जाती है तो इसे तोड़ देना चाहिए। इससे जो कि हमारी नेगेटिव ऊर्जा होती है उसे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करें और मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भाई नए हैं वह लाइकन दबा भी दें। दोस्तों स्पैटर प्लांट का पौधा आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर पौधा होता है, अपने घर में इंडोर प्लांट में लगा सकते हैं। दोस्तों देखो बहुत ही सुंदर पौधा है, इसकी इतनी प्यारी पत्ती है, हरे पत्ती पे वाइट डिजाइन है। दोस्तों ये असली स्पैटर प्लांट का पौधा है। दोस्तों इसे आप कमरे में, बाद आप ड्राइंग रूम में, टेबल पर भी कहीं भी रख सकते हैं। दोस्तों किचन में भी रख सकते हैं, ऑफिस में भी रख सकते हैं, आप अपने मंदिर के पास भी रख सकते हैं। ध्यान रहे जब आप इसे अपने घर के अंदर रखते हैं, एक हफ्ता दो हफ्ता एक बार इसको थोड़ी सी धूप लगा दें, जिससे हमारे इसको धूप मिलती रहेगी तो पौधा चलता रहेगा। इसमें भी आपको पानी का बहुत अच्छा से ध्यान रखना है, 3-4 दिन बाद इसमें पानी पड़ता है दोस्तों। और इसमें आप ध्यान रहे, हमारे जो घर में कोल्ड की शीशी आती है, जिन भाइयों के पास कोल्ड की शीशी नहीं होती, वो इसके पत्तों में पानी मारें। जो हम घर में झाड़ू लगाते हैं तो उसके अंदर जो हमारी गर्द होती है, इस पे वो पत्तियों पर जम जाती है, जिससे हमारे जो पंकेसर होते हैं रुक जाते हैं और उसकी जो वाइट पत्ती होती है वो थोड़ी ख़राब होने लगती है, जो इसकी सुंदरता ही है वो भी ख़राब होने लगती है। दोस्तों अब हम इस पानी का जब छिड़काव करेंगे तो ये बहुत ही प्यारा अच्छा हो जाएगा, हरा भरा हो जाएगा। दोस्तों स्पॉटर प्लांट का पौधा अपने घर में लगाएं, ये बहुत शुभ माना जाता है। जो इसकी जड़ होती है उसमें आप लंबी लंबी आप देख सकते हैं, जड़ी बूटी सी होती है, उससे भी पौधे आप अलग लगाएंगे तो उससे पौधे तैयार होते हैं। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें दोस्तों, और मुझे अपना प्यार दें, बहुत एक लाइक करें दोस्तों और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों देखो बहुत ही प्यारा स्पैटर प्लांट का पौधा है, बहुत ही अच्छा पौधा है। अब दोस्तों मैं आपको एक ड्रासिना के बारे में बताना चाह रहा हूँ, उसका नाम महात्मा ड्रासिना का पौधा है। ये देखो दोस्तों इतना सुंदर पौधा है कि यह बहुत ही सुंदर, और सर्दियों में तो बहुत ही सुंदर पौधा हो जाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी गुलाबी पत्ती इतनी प्यारी लग रही है, मैं आपको थोड़े दिखाने पास से दिखाना चाह रहा हूँ। दोस्तों देखो ये बहुत ही प्यारा पौधा है, बहुत ही अच्छा पौधा होता है। दोस्तों आप इसे घर के अंदर भी लगा सकते हैं। ध्यान रहे जैसे मैंने स्पॉट प्लांट के बारे में बताया था, आप इसी प्रकार इस पौधे को भी लगाएं। जैसे कि इस पर भी पंकेसर हमारी पत्ती पे जैसे कि गर्द जम जाती है, तो हम इस पर ध्यान रहे, हमारे पास कोल्ड की शीशी होती है या मार्केट से एक फारा 20 रुपये का आता है, उसे पेप्सी की बोतल में पानी भर के और इसमें फारा मारें। दोस्तों तो इसकी बहुत ही सुंदर पत्ती हो जाएंगी दोस्तों, बहुत ही अच्छा। और इसमें भी 4 या 5 मीटर पानी डालें दोस्तों, जिससे हमारा पौधा हरा भरा रहेगा। अगर आप हम रोज़ पानी डालेंगे तो ये गल जाएगा। ध्यान रहे सर्दी में पानी 3-4 दिन डालें और गर्मी में रोज़ सुबह शाम डालें। और गर्मी में जब इसमें पानी डालने का मौसम आता है दोस्तों, ध्यान रहे सुबह को और शाम को डालें, तेज़ धूप में पानी नहीं डालें और हमारे पास गर्म पानी नहीं होना चाहिए, जिससे कि हम गर्म डालेंगे, एक तो हमारा पौधा धूप में ही रखा है और हमारा तापमान इतना होता है गर्मी में कि अगर हम गर्म डालेंगे तो इससे थोड़ा हमारे जो ये पत्ती के किनारे देख सकते हैं दोस्तों, ये सूख जाती हैं। आपके पास भी ऐसा पौधा होगा तो आपने देखा होगा इसकी पत्ती सूख जाती है। दोस्तों देखो मेरे पौधे की पत्ती कहीं भी नहीं सूखी। अब आप पीछे भी देख रहे होंगे दोस्तों, मेरा ये रूम है, मैंने रूम में पौधे लगा रखे हैं दोस्तों। अब सर्दी का मौसम है, ये रूम में देखो रूम के पौधे हैं मेरे, 1 महीने से अंदर रखे हैं दोस्तों। मैं इन स्प्रे करता हूँ और दवाई लगाता हूँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा पौधा है ड्रासिना। दोनों वीडियो को स्किप नहीं करें, वीडियो को मेरे को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें
और जो भाई नए हैं बेल आइकन दबाएं और मेरा एक लाइक करें प्यारा सा दोस्तों। बहुत ही सुंदर पौधा है दोस्तों। इसी प्रकार मैं आपको पौधों के बारे में जानकारी देता रहूँगा, तो जल्दी अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, नमस्कार।